हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 एंड पेज नंबर इज 33। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, मतलब उसको हमको आंसर भी चेक करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो नाउ वी लुक। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे 8 आप देख रहे हैं, ये 8 है। ठीक है, 8, ये 8। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 2। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस की है और यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, तो हमको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 लाना है। ठीक है, और साइन यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 2 लाना है। किस में, माइनस करने पर माइनस का 2 लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8। ठीक है, और ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 और माइनस करने पर प्लस का 2x लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो दो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 8। ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड किया हो गया 4, फिर 2 से किया हो गया 2, फिर 2 से किया हो गया यहाँ पे हमारा 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, माइनस का 2, हमको लाना क्या है, माइनस का 2। हमारे फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब 2 2 जा 4, एक हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2, यानी कि माइनस 4 में प्लस 2 कर दें। ठीक है, माइनस 4 में प्लस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 2, और इसी में क्या कर दे, माइनस 4, इसी में क्या कर दे, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, हरी बात में, जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 8 लाना है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, क्या लाना है, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2 ना, जो यहाँ पे साइन है माइनस का है तो माइनस का 2x लाना है, अगर प्लस का होता तो प्लस का 2x लाना है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई, हमारी वैल्यू बन गई, अब अच्छे से देखना, हमारे वैल्यू क्या बन गई, हमने वैल्यू ली 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 8, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें हमको कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम लोग दो दो के कॉमन ले लेंगे, तो इन दो में कॉमन लेंगे और इन दो में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये दो में पहले कॉमन लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर कोई काउंटिंग नंबर तो है नहीं एक्स स्क्वायर में। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर ले ले, क्या बचा, एक्स। ठीक है, माइनस का साइन तो माइनस, फोर एक्स था, फोर एक्स बाहर ले ले, क्या बचा यहाँ पे, फोर। ठीक है, अब हमको इसमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि हमको सिर्फ नंबर मिल रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ नंबर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे प्लस का 2, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच रहा है, अब 2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4। 4 क्यों बचेगा, क्योंकि हमने 8
टू कॉमन लिया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एट बचेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन लिया उसमें उस नंबर का अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टू कॉमन लिया तो अंदर हमारा टू का यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारी फैक्टर क्या बन गया, एक्स, हमारा क्वेश्चन आ गया एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर प्लस टू, ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स माइनस फोर, ठीक है, एक्स एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब हमको जो दो बार दिख रहा है एक्स माइनस फोर दो बार है तो उसको एक बार लिख लेंगे, फिर यहाँ पे एक्स प्लस टू बचा तो एक्स प्लस टू को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमारा जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कर देंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर, ठीक है, तो कंपेयर विथ जीरो कर देंगे, कंपेयर, ठीक है, विद जीरो, ठीक है, हम लोग इसको ठीक है जीरो के साथ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो भी साइन है अगर राइट साइड में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएँ और चाहे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएँ, ठीक है। जो भी वैल्यू हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं इक्वल के लेफ्ट या राइट साइड में तो साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन हमारी जो दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का टू है तो लेफ्ट साइड में प्लस का टू है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स इक्वल प्लस का फोर और एक्स इक्वल माइनस का टू, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई भाई अब, ठीक है। तो क्या आ गई, एक्स इक्वल फोर और एक्स इक्वल माइनस टू, ठीक है। चलिए कमिंग, अब यहाँ पे आज आगे देख लेते हैं भाई, फिर क्या दे रखा है, ठीक है, हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल फोर, ठीक है, और एक्स इक्वल माइनस फोर, ओके। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एट इज जीरो व्हेन एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, ठीक है, कंपेयर कर दिया हम लोगों ने तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई माइनस का टू, ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने देखो यहाँ पर दे रखा है देयरफॉर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट आर फोर एन माइनस टू, यही तो आया था ना हमारा, ठीक है, हमारा क्या था, एक फोर आया था और एक क्या आया था माइनस का टू, ठीक है। अब हमको ध्यान क्या रखना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला हमारा क्या होता है वो हमको बुक में हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इक्वल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें भी कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग जो मेरे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है वो जाकर जरूर देख लें, ठीक है, तो उसमें आपको कोएफिशिएंट वगैरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है कांस्टेंट टर्म भी आता है तो वो भी आप लोग उसमें जाकर जरूर देख लें, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ही ध्यान रखना है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज ये हमारा क्या हो जाएगा एल एच एस पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट हमारा है वो क्या हो जाएगा आर एच एस पार्ट, ठीक है, ये एक एल एच एस पार्ट हो जाएगा एक आर एच एस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एल एच एस इक्वल आर एच एस अगर हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाए वेरीफाई, यही हमको जांच करनी थी, ठीक है। जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है ना, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई पहली, जो पहली हमारी एक्स की वैल्यू आई थी फोर, दूसरी क्या आई थी एक्स की वैल्यू माइनस का टू, यही तो आई थी ना, ठीक है। तो जो पहली वाली वैल्यू थी उसको क्या ले लेंगे, उसको लेंगे अल्फ़ा, उसको क्या बोलेंगे अल्फ़ा, और जो दूसरी वाली वैल्यू आई थी उसको क्या बोलेंगे बीटा, क्या बोलेंगे बीटा। जो पहली वाली वैल्यू थी
फोर, इसको बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बीटा इक्वल माइनस टू, ठीक है। ये वाली बीटा, ये वाली क्या हो जाएगी अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारी हो गई अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब जो दूसरा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और दूसरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो भी हमारी इक्वेशन है, ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। इक्वेशन हमारी क्या थी, ये इक्वेशन थी, इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल होता, ठीक है, तो हम भी लोग इक्वल करके जीरो कर देते, ठीक है, पर इक्वल तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग भी सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या कर देंगे, इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो एक्स के साथ कंपेयर होगा, ठीक है, और जो एक्स है वो एक्स के साथ, और जो सी है वो नंबर के साथ, ठीक है। अब देखो, तो जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये इसके साथ कंपेयर होगा, ठीक है, जो बी वाला है वो इसके साथ कंपेयर होगा, और जो एट है वो किसके साथ कंपेयर होगा, सी के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टू, और सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का एट, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, वन, वैल्यू ऑफ बी माइनस टू, एंड वैल्यू ऑफ सी इज माइनस एट, ठीक है। ये तीनों हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई किसकी, ए बी सी की, ठीक है। और यही हमारा क्या है, कोफिशिएंट। अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, वन, कोफिशिएंट ऑफ बी पूछता है तो कितना हो जाएगा, माइनस का टू, और सी पूछेगा तो माइनस सी हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अगर एक्स में एक्स वाई जेड कुछ लगा होता तो उसका कोफिशिएंट होता, ठीक है, पर उसमें कुछ लगा तो है नहीं, सिर्फ नंबर है, तो नंबर को से बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, ओके। वैल्यू ऑफ ए वन, वैल्यू ऑफ बी माइनस टू, एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल माइनस एट, ठीक है। अब हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने बोला था कितनी आई थी, पहली वाली वैल्यू अल्फ़ा की, बाद वाली वैल्यू बीटा की, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, फोर, अल्फ़ा की जगह फोर रख दिया, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का टू। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि जब भी दो साइन मिलेगी तो बाद वाली साइन को ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। तो फोर प्लस ब्रैकेट में माइनस टू, फोर अल्फ़ा की वैल्यू है, माइनस टू बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इक्वल, ठीक है, हमारा फार्मूला भी ध्यान रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया था हमारा, माइनस का टू, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था, वन, ठीक है। भाई इक्वेशन क्या हमारी थी, जो इक्वेशन पे जाओ तो वहाँ पे एक्स एक्स की एक्स के पहले क्या लगा हुआ है, एक्स के पहले हमारा लगा हुआ हुआ है माइनस का टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का टू, और उसके पहले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के पहले कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, वन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का टू इक्वल, ठीक है। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस का टू माइनस का, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का है, ये माइनस का टू है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू, ठीक है। तो प्लस का फोर फोर माइनस टू इक्वल, ये हो जाएगा प्लस का टू, ये हो जाएगा हमारा प्लस का टू। अब फोर माइनस टू को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टू इक्वल टू, टू इक्वल टू मीन्स एल एच एस इक्वल आर एच एस, हमारा क्या आ गया, एल एच एस इक्वल आर एच एस, ठीक है। हमको एल एच एस इक्वल आर एच एस लाना था, हमको आंसर की जांच करनी थी, तो आंसर जांच हमारा कब होता है, जब आंसर हमारा सेम होता है, ठीक है। मीन्स आर एच एस पार्ट और एच एस पार्ट अगर से एक जैसा आ जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया, तो सम ऑफ जीरो हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। अभी हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको ध्यान रखना है, वैल्यू हमारी सब वही रहेगी, ठीक है, वैल्यू हमारी जो है वो चेंज नहीं होगी अब, ठीक है। तो हमको वैल्यू हमारी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इसमें भी एल एच एस इक्वल आर एच एस ले आना है, अगर वो आ जाता है तो एल एच एस और एच एस अगर सेम आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू,
अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारी 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस का 2, ठीक है, इक्वल वैल्यू ऑफ सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या था हमारा 8, कॉन्स्टेंट टर्म क्या था हमारा 8, परसेंट किसकी थी माइनस की, तो क्या था वहाँ पे माइनस का 8 अपॉन कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या था यहाँ पे 1, ठीक है। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल, यहाँ पर भी क्या है माइनस का 8, तो ये क्या हमारा हो गया LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो जो सेकेंड पार्ट था हमारा वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है, तो हमारे LHS इक्वल RHS आ गया, ठीक है। मीन्स जो हमने क्वेश्चन सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसको सॉल्व किया, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई सेम आ गई, यानी कि LHS और RHS पार्ट था क्या था वो सेम था, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो वो क्या है वेरीफाइड हो गया, वो क्या हो गया ट्रू हो गया, ओके। हम लोग बोल सकते हैं दस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।